माय गॉड, क्या सूट आई है भाई, अनबिलीव। नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पार्सल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, बीएचयू पीजी आप लोग के लिए फिर से एक एडमिशन का मौका दे रहा था और कहीं ना कहीं बीएचयू सीएससी का बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा और आज सीट ऑफिशियल लिस्ट हमारे स्क्रीन बोर्ड पे अवेलेबल है। आप सभी लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हो कि बीएचयू पीजी 2024 में मॉपअप राउंड के थ्रू वैकेंट सीट को भरने के लिए टोटल कितनी सीटें किस कोर्स के लिए कैटेगरी वाइज आ चुकी हैं। ध्यान देना कि बस इस लिस्ट को देखना बेहद जरूरी नहीं है, जरूरी है साथ ही साथ इसके साथ कुछ और एलिमेंट्स को समझना कि ये सीट एक्चुअली काउंट कैसे होगा। आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है कि एक्चुअली किन बच्चों को आना चाहिए और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको जानने के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज मैं जाऊंगा वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी जल्दी से अपने दोस्त को शेयर कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस एडमिशन से लेके अभी तक पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर में हम लोग आपके साथ हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपना साथ बनाए रखें। और हाँ, आपसे निवेदन है कि कोई भी आपका डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है, तो आप लोग काउंसलिंग वाला, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है लिखा होगा काउंसलिंग वाला, उस पर आपको बेसिकली कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करना है। यू विल गेट बैक कॉल इन 30 मिनट्स, लगभग 30 मिनट में अपने नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 250-300 रोज रोज रजिस्ट्रेशन वहां पे आ रहे हैं, तो हम लोग आपको कॉल 1-2 घंटे में मैक्सिमम आपको कर लेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें हम लिस्ट को सब समझने के लिए। तैयार हो आप लोग? सबसे पहले जो लॉ के बच्चे थे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सब सीट कितने आएगी, भाई आंखें खुल जाएंगी। सीवन सीटू का नाम सुना हुआ है? C1 C2 यानी C1 नॉन PHU स्टूडेंट है, ध्यान देना C2 PHU स्टूडेंट है। C1 में अगर सीट नजर आ रही है तो इसका मतलब कि आप लोग हो जिन्होंने PHU में पढ़ाई नहीं करी है बेसिकली। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, और एक बात और है, लॉ में लॉ के चूंकि यूजी कोर्स में आता है तो यहाँ पे ना PHU कोटा का कुछ सेंस निकलता भी नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम सीटें जो है वो देखो आप यहाँ पे C1 में काउंट हो रहा है। ठीक है, C2 पूरा वैकेंट है, 0 है, क्योंकि बीएड में भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये सीटें हम सभी के लिए है, बस ये ध्यान देना है कि जो अनरिजर्व स्टूडेंट है, यानी जो 15 सीट यहाँ पे अनरिजर्व दिख रहा है, इसमें बस जनरल कैटेगरी के लोग फाइट करेंगे, बाकी इसके बाद जो सीटें हैं ये पूरा एड ऑन हो के अनरिजर्व के साथ आप लोग फाइट करने वाले हो। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा अगर यहाँ पे EWS का है तो वो EWS का 4 सीट तो उसका फिक्स ही है, साथ ही साथ EWS के ऊपर क्या होता है, अनरिजर्व होता है, यानी कि ये भी 15 सीटें उसमें काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लॉ का रेगुलर कोर्स का ये सीट है, ऊपर पेड पेड का भी सीट यहाँ पे देखो कितना है, देख रहे हो कितना है यार, भाई कट हो जाओ यार। देखो यहाँ पे अनरिजर्व 2, SC में 2, ST में 2, EWS में 2, 1 में OBC, फिर 0 0, 15 2 4 5 24, भाई सीट बहुत खतरनाक आया है लॉ में। अब किस बेसिस पे आपको आना है ये मैं आपको समझा देता हूं। आप बेसिकली ये चुनाव करोगे कि लास्ट राउंड, पहली बार तो वो सब बच्चे आ सकते हैं जिन्होंने पेमेंट मिस कर दिया था, 1 2 3 4 5th राउंड तक जिन्होंने भी अपना पेमेंट मिस किया था, वो चाहे तो अपना किस्मत आजमा सकते हैं। ठीक है, अपना किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए एडमिशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रही है, और वो बच्चे भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं यहाँ पे जिनका लास्ट राउंड कट ऑफ से 20 नंबर 25 नंबर नीचे है। आप स्वतंत्र हो डिसीजन लेने के लिए, ये सीटें आपके सामने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट क्या कि आपको किस बेसिस पे आना है, आप अगर पेमेंट मिस वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि कई टाइप्स के स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पेमेंट किसी कारण से मिस हो गया था, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो किसी कारण से अपना एडमिशन बीच में विड्रॉल कर लिए और फिर अब मन लगा रहे हैं कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में भी वो बच्चे जरूर आ सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरिट में थे तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप सीट देख लो पहले। लॉ में सीट ज्यादा है इसीलिए मैं बोला कि लॉ बच्चों के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, बायोस्टैट्स, इन सब की सीटें यहाँ पे दी हुई हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां मिल जाएगा, आप जाके ओपन करके पढ़ लो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा फेमस का चलते हैं, फेमस कोर्सेज का चलते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का है, यहाँ पे जूलॉजी ध्यान देना। ठीक है, ये सब सीटें यहाँ पे 1 2 3 सीटें ही करके हैं, ध्यान देना। ठीक है, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फेमस कोर्सेज में, मैं भी थोड़ा अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है एडमिशन में। जैसे कि इंग्लिश, देखो यहाँ पे इंग्लिश पूरा स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सीटें देखो क्या है, सीटें यहाँ पे तो एक है। ठीक है, ये DAV का था, उसके बाद R महिला का 2 1 1 1 2 2 1 1 6। ठीक है,
ये आप लोग ऊपर ये मिला लेना, ये ध्यान देना कि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन रिजर्वेशन कैसे फॉलो होता है, आप जनरल की सीट ले सकते हो, यानी अपने ऊपर की सीट ले सकते हो, नीचे की सीट नहीं ले सकते हो। जैसे कोई पीएच कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो पीएच कैटेगरी का ले सकता है और ऊपर के भी सीटें ले सकता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। इंग्लिश का हो गया, ठीक है, मतलब सीटें ठीक ठाक दिख रही हैं, बंगाली, नेपाली, जर्मन, इन सब देखो यहाँ पे सीटें बहुत हैं। देख रहे हो कौन सा बंगाली वगैरह में सीटें, देख रहे हो 10, 4 ऐसी, 18, 10, 19 तक की सीटें हैं बंगाली में। डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस बंगाली में सीट देखो कितनी, 18, 10, 19, 14 बहुत सीटें हैं। हम लोग ज्यादा वाला देखते हैं यहाँ पे, ये देखो 13 सीट दिख रहा है किसमें, मराठी में। ये सब ऐसे लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे सीटें नहीं फूल पाती बेसिकली, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। देखो ये पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये है हिस्ट्री का बसंत कन्या का। हम लोग चलते हैं अपने कैंपस का देखते हैं, ठीक है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देखो यहाँ पे है कितना है, 0, 2 और 1 सीट है यहाँ पे, 2 और 1 सीटें हैं, ठीक है। जबकि जिसमें अनरिजर्व में है यानी 2 और 1 ओबीसी में, मतलब टोटल ओबीसी का स्टूडेंट और या एसटीएससी को का, तो 3 सीट उसके पास है। ओबीसी के लिए लगभग यहाँ पे 3 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए 2 सीटें हैं। कौन आएगा, जिसका पेमेंट मिस हो गया बेसिकली, वो आ सकता है इस तरीके से। बाकी ध्यान देना ना कि मैं आज रात भर बच्चों का पूरा कमेंट पढ़ लूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरा शाम तक अब रात तक जो डिटेलिंग आ जाएगा, तो मैं इससे अंदाजा लगा पाऊंगा कि कौन कौन सीट फुल हो जा रही है। जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी अब पॉलिटिकल साइंस के 3 स्टूडेंट आ गए, तो अब किसी को राजस्थान से आने की जरूरत नहीं है, उसकी सीट तो फुल ही हो जानी है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और देखते हैं जियोलॉजी बॉटनी, ठीक है, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, ये सब सीटें देखो यहाँ पे 10 सीट आई है ईडब्ल्यूएस में, 10 सीटें आई है, देख रहे हो 10 सीटें यहाँ पे आई है। ये है बॉटनी, बॉटनी की 10 सीटें आई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर सीटें देखते हैं, कहीं कहीं पे सीटें बहुत अच्छी हैं, लॉ में सीट बहुत अच्छा निकल के आया। पता है क्या हुआ, लॉ में एक्चुअली ना बाद में एक राउंड चला था डीयू वाला, उसमें बच्चे चले गए, और फिर इलाहाबाद वाला फॉर्म आया। देखो 13 और 17, 13 और 17 एक इसमें है, एनर्जी इकोनॉमिक्स का है और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। एक्चुअली देखो स्पेशल कोर्स की है ना, स्पेशल कोर्स में फीस ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा नहीं देना होता है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे एडमिशन ज्यादा लेते नहीं है और सीट बाद में क्या होती है, वैकेंट चली जाती है, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये पीडीएफ अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको, चलते चलते ध्यान देना है, जितने वाइड वैकेंट है ना वही वैकेंट सीटें, बाकी सब में 0 लगा हुआ है। तो अब आप लोग जाके देखो टोटल कितनी सीटें कहाँ कहाँ आई है, लेकिन आपको ध्यान देना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई यहाँ मत भीड़ लगा लेना, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना घर छोड़ना और फाइनली ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टली काउंसलिंग के लिए आना बीएचयू में, ठीक है। ये मैं मोटी मोटा समझाता हूँ प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक्चुअली ये फॉलो कैसे होगा। 3 और 4 तारीख यानी September 3rd and September 4th को 11 बजे से 4 बजे के आसपास लगभग आपके लिए डायरेक्टली डिपार्टमेंट में ऑफलाइन काउंसलिंग का स्पॉट बनाया गया है। आप जो बच्चे भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना चाहते हैं वो कहाँ आएंगे, वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट में आएंगे, ठीक है। और उस स्टूडेंट को आना है जिसको एडमिशन लेना है, वो पेरेंट्स के साथ आ सकता है, बिना पेरेंट्स के भी आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट का वहां पे रहना इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेंशन है ऑफिशियल नोटिस में। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है साथ में ले आना, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी समझा दूंगा कब, कल सुबह वाले वीडियो में, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअली आपको लेके आना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, 2 चीजें जाननी है, जिन लोगों ने भी सीयूटी का एग्जाम दिया था और वो बीएचयू में फॉर्म डाले थे वही एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो सीयूटी का एग्जाम दिया और बीएचयू का फॉर्म डाला ही नहीं था, वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इसमें कोई ऐसा कोर्स होगा जिसमें जीडीपीआई कोर्सेज आते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल कोर्सेज आते हैं, तो वो बच्चे जो जीडीपीआई दिए हैं वही एलिजिबल इसमें होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस जनरल पेपर दिया था और जीडीपीआई में आप अपियर ही नहीं हुए और आप सोच रहे हो आपका एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पे वही बच्चे एलिजिबल हैं जो जीडीपीआई या प्रैक्टिकल कोर्सेज दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सेस अमाउंट में वो सब चीजें कराई थी, उनके पास बच्चे ज्यादा थे, सीटें कम थी। अब वो सीटें अगर खाली हैं तो वो उन्हीं बच्चों के बिहाफ भरना चाहेंगे जिन्होंने जीडीपीआई या प्रैक्टिकल कोर्सेज दिया हुआ है, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट का हो, चाहे बीपीएड का हो, इन सभी को के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई, और मोटी मोटा कोई और प्रॉब्लम अगर होगी तो आप, मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला, आप वहां जाइए, वहां पे आप लोग व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है, आप 30 मिनट्स में कॉल बैक प्राप्त कर लोगे, वहां पे हम लोग डायरेक्टली कॉल से डिस्कस करेंगे कि आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज क्या है। हमारे यहाँ कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, हिंदू स्टडीज, जनरल पेपर, लॉ, एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम,
ये तमाम कोर्सेज पीजी के जो है वो ओनली 1999 और 500 रुपीज का टेस्ट सीरीज फ्री के साथ आपको अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारी अलग अलग टीचिंग फैकल्टी के साथ डायरेक्टली पढ़ाई कर सकते हो। बेसिकली पार्ट से अलग है, टीचिंग फैकल्टी थोड़ा बाकी प्लेटफॉर्म से अलग ऐसे है। हमारे यहाँ जैसे बच्चा जब आता है तो हम लोग अलग अलग टीचर्स रखे हुए हैं, वो टीचर्स बेसिकली बच्चों के साथ डील करता है। जैसे हमारे यहाँ होम साइंस में 100% सिलेक्शन है इस बार, पूरे लगभग 21 से 22 बच्चे उस बैच में थे, जबकि वो बैच बहुत एंड में आया था, उस बैच के पूरे बच्चे सिलेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे जैसे आप प्लेटफॉर्म पे आते हो और ये प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने एक ऐप बना रखा है, वहां पे आपको लेक्चर्स मिलेगा और बच्चा जो होता है वो डायरेक्टली ऐप के थ्रू आप अपने सीधे अपने डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट में चले जाते हो। यानी कि अब आपका कन्वर्सेशन स्टूडेंट टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट्स होने वाला है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। आप चाहो तो जरूर आप बैचेस ज्वाइन करो, दोस्तों को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग अगर भी आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है तो आप लोग अपना एडमिशन देख सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत से शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलेगा हर हर महादेव।